हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, दारू का ये शेयर भूलना मत इसे। आप सोच रहे होंगे भैया भूल जाएंगे, कौन सा ये शेयर है? दारू बियर यही कंपनी है भैया, यही काम करता है ये। दारू आप पीते हो, कमाता ये शेयर है, ये कंपनी है। आपसे मेरा मतलब है, कई लोग नहीं पीते होंगे, प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा। कई लोग नहीं पीते, बट जो पीते हैं, लेकिन कमाता कौन है? ये कंपनी, ये शेयर कमाता है। चलिए बात करते हैं कौन सा ये शेयर है और इसका आज रिजल्ट आया है, उसके बारे में भी बात करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे UBL, यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड। आप देखिए, यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स की, देखिए, बियर किंग फिशर, चाहे किंग फिशर अल्ट्रा हो, किंग फिशर अल्ट्रा मैक्स हो, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में तो ये ज़बरदस्त छाई हुई है किंग फिशर बियर। अब देखिए, अब ये किंग फिशर, आप विजय माल्या का नाम सुन रहे होंगे भैया, विजय माल्या की कंपनी है। इस तरीके से अभी उस तरीके से मत लीजिए, अभी गवर्नमेंट ने विजय माल्या के भी इससे जो अटैच शेयर है, कहे उनको बेच दो। सरकार तो भैया विजय माल्या से रिलेटेड जितनी चीज़ें कह रही है, बेच दो, पैसा लो जितना इसने गवर्नमेंट से लिया है, वो सब ठीक है। आज का हम बात जानते हैं यूनाइटेड ब्रिवरेज लिमिटेड के डिटेल में। कंपनी क्या करती है? बियर बनाती है, दारू बनाती है। बियर मेजरली बुक वैल्यू 113 है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस देखिए ऑलमोस्ट 1400 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर देखिए 19 रुपीज़ का है। और अगर आप देखें, डेट बहुत कम से कम डेट है, 312 करोड़ का डेट है। बियर बिकती है, पैसा आता है, डेट उधार तो कि क्या ज़रूरत है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 15-16%, सेल्स ग्रोथ 6-8% की है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का, डिविडेंड कम से कम देता है, मतलब कोई डिविडेंड ना के बराबर ही डिविडेंड मैं कहूँगा इसको, 0.14%। अब हम बात करते हैं शेयर की। आज देखिए रिजल्ट आया है, कब रिजल्ट आया? ऑलमोस्ट 3.5 से थोड़ा सा टाइम पहले रिजल्ट आया, और रिजल्ट कैसा रहा वो देखिए भैया, बहुत क्लियर, बिल्कुल रिपोर्ट देखिए चमक रही है। इस तरीके से रिपोर्ट कई कंपनीज के, ऐसे अशोक लेलैंड की बात करो तो धुंधली रिपोर्ट स्कैन करी थी इनकी, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है। टोटल इनकम ये सारी फिगर लाख में, इनको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं, तो टोटल इनकम ऑलमोस्ट 3200 करोड़ की टोटल इनकम हुई है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 3300 करोड़ की थी। और लास्ट ईयर यही इनकम जो लास्ट ईयर कितनी थी, 2600 करोड़ के आसपास थी। तो अच्छा जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डिप हुई टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट देखिए 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इसको, पिछले क्वार्टर में 163 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन अगर पिछले साल का कंपैरिजन देखा जाए, दिसंबर देखिए 50 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, अभी देखिए 109 करोड़ का प्रॉफिट है, तो डबल से भी ऊपर ये प्रॉफिट जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए 1.79 का अर्निंग पर शेयर था लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में, इस बार कितना हो गया 4.13 अल्टीमेट। देखिए अब इसका अगर प्राइस देखें तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से 2009 पे देखिए कहाँ शेयर था, ये 70 रुपये का शेयर था, आज की डेट में 1400 का, 20 गुना 2009 से, 9 साल में 20 गुना। अगर 1 लाख कर लगाए होते तो 20 लाख कर दिए होते इसने, बढ़िया। कई देखिए ये इसकी जो एक ट्रेंड लाइन चल रही है फास्ट, कई बार इस पर आज के बाउंस बैक होकर ऊपर जा चुका है ये शेयर, देखिए बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अभी मैं ये कहूँगा ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, इस शेयर का एक्चुअल जो बाइंग प्राइस है वो 1200 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन अगर और गिरावट देखने को मिलती है तो जैसे 1000-1100 इन लेवल्स पे आए कभी तो बढ़िया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा ये टॉप पे चल रहा है। जैसे अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा होता फिर नीचे आया तो मैंने ऊपर ख़रीद लिया, तो अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा सा हाई प्राइस्ड ये देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके UBL के डिटेल में जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं, देखिए क्वालिटी तो बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है भैया, बियर का स्टॉक है, क्या कहते हैं, ग्रोथ मैनेजमेंट रिस्क कैपिटल स्ट्रक्चर हर तरीके से बड़ा है। और ये देखिए इसकी, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि 23% जो शेयर होल्डिंग है वो ना गिरवी रखी गई है, जो मुझे काफ़ी नेगेटिव लगता है। जहाँ पे भी प्लेज्ड शेयर आता है ना तो वहाँ पे एक डर सा लगता है। अभी जी का आपने सुना होगा हाल, जो प्लेज्ड शेयर है ना, कभी भी शेयर में हल्की सी गिरावट आती है ना तो जहाँ पे प्लेज्ड होते हैं शेयर वो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी पैनिक का मूवमेंट आ जाता है। तो इसलिए ये मूवमेंट मेरे को ये सबसे नेगेटिव लगता है स्टॉक में, जहाँ पे प्लेजिंग होती है। प्रोमोटर देखिए 57.72% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के बहुत सारे स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, 168 FIIs ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ शेयर की वो न्यूज़ पे, जो माल्या के साथ जो न्यूज़ है, देखिए ईडी में अलाउ बैंक्स टू सेल माल्याज अटैच्ड शेयर इन यूनाइटेड ब्रिवरीज पोस्ट कोर्ट एनओडी। भैया ईडी बेच सकती है माल्या के शेयर,
अब देखिए अगले यूनाइटेड ब्रिवरीज Q3 प्रॉफिट जंप्स टू 109 करोड़, तो वही ये रिजल्ट है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे डिप देखने को मिला है। यूनाइटेड ब्रिवरीज बियर की है, बियर लिक्वर है तो भाई डेफिनेटली कमाएगा ही कमाएगा, आगे इलेक्शन सर पे और हैं तो आगे और चांसेस है कमाने के। इलेक्शंस में आपको पता ही है, चाहे सच्चाई छुप सी छुपे नहीं छुपती, इंडिया में इलेक्शंस में दारू भी खुलेआम बिकती है। एंड चैनल आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।